बेटी के दिला रहे हैं। कैसी है पढ़ने में? ठीक है, बढ़िया है। हाँ, अच्छे नंबर आएंगे? अच्छे नंबर आएगी ना, इतना दिन से पढ़ रही है तो अच्छे नंबर लेवे करेगी जी। मैंने मैं अपनी पत्नी का एग्जाम दिलाना है। कैसी मतलब क्या तैयारी हुई है अच्छे से? हाँ तैयारी तो ठीक है, बढ़िया की है। बढ़िया तैयारी है। सुबह उठ के कुछ बोली भी थी आज? हाँ बोले हैं कि बढ़िया नंबर लाएंगे, बढ़िया नंबर ला के पास हो जाएंगे जी। शादी ब्याह करेंगे देवे करेंगे, तब जितना होगा जितना देवे करेंगे जी। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे। देखिए आज आर्ट्स का भी पेपर का शुरुआत हुआ है, 12वीं का, जिसमें हिंदी का पेपर है, हिंदी विषय है। और यहाँ पे तमाम आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं वो आई हुई है और बच्चों को एग्जाम बैठी हुई है। सभी बच्चियां जो हैं वो एग्जाम देने के लिए एग्जाम सेंटर के अंदर, एग्जाम हॉल के अंदर जा चुके हैं। सबसे बातचीत करते हैं कि कहाँ से आए हो और बच्चों का तैयार एग्जाम दिलवाने के लिए आए हैं। किसको दिलवाने के लिए आए हैं? भतीजी को। भतीजी को? यस सर। कैसा तैयारी की है? ठीक की है। बढ़िया तैयारी की है। लगता है कि मतलब अच्छे नंबर आ जाएंगे? हाँ मेहनत तो की है। मेहनत की है, पूरा 2 साल जम के पढ़ी है। हाँ। कितने नंबर ले आएगी कुछ बताई थी? हाँ तो रिजल्ट निकलने के बाद ही ना। रिजल्ट निकलने के बाद? और वैसे क्या लगता है कि मतलब कैसी तैयारी रही है बच्ची की? हाँ अच्छा तैयारी की है। अच्छा तैयारी की है। कहाँ से आए हैं आप? राजेंद्र नगर से। राजेंद्र नगर, पटना के रहने वाले हैं। हाँ। तो भतीजी को आप मतलब खुद, उसके मम्मी पापा नहीं आए हैं? नहीं, वो थोड़ा गांव टाइप में मतलब रहते हैं। अच्छा, आप ही रख के पढ़ाते हैं? हाँ, तो मेरे पास आई थी एग्जाम दिलाने, एग्जाम के लिए यहाँ पे आई। हाँ हाँ, तो अच्छे से मेहनत की है। हाँ हाँ। आप भी एग्जाम दिलवाने के लिए आए हैं? किसको दिलाने के लिए आए हैं? अपना बच्ची को। बच्ची को? तो अच्छे से पढ़ी है? अच्छे से पढ़े हैं। मेहनत की है? हाँ खूब मेहनत किया है। लगता है कि मतलब नंबर आ जाएंगे अच्छे? हाँ। कहाँ से आए आप? पलंगा से। कहाँ से? पलंगा। पलंगा से आए हैं। आप किसको एग्जाम दिलवाने के लिए आए हैं? मैं अपनी पत्नी का एग्जाम दिलाना है। कैसी मतलब क्या तैयारी हुई है अच्छे से? हाँ तैयारी तो ठीक है। तो घर के कामकाज भी करती है और पढ़ाई भी करती? हाँ, है। हाँ, हाँ, दोनों करते हैं। तो क्या लगता है कि अच्छे नंबर आ जाएंगे? आएगी जरूर, आए, मेहनत की है। मेहनत की है। हाँ। तो मतलब फिर घर के काम, घर का भी कामकाज और फिर यहाँ पे भी पढ़ाई लिखाई, कैसे दोनों मैनेज करती थी? करती है, मैनेज कर लेती है। मेहनत करने वाली किसी तरह भी मैनेज कर लेगी। मेहनत करना किसी तरह कर लेते हैं। हाँ। तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। आ जाएंगे। हिंदी का पेपर है ना आज? हाँ आज हिंदी है। आप किसको एग्जाम दिलवाने के लिए आए हैं? बेटी के दिला रहे हैं। कैसी है पढ़ने में? ठीक है, बढ़िया है। हाँ। अच्छे नंबर आएंगे? अच्छे नंबर आएगी ना, इतना दिन से पढ़ रही है तो अच्छे नंबर लेवे करेगी जी। मेहनत की है पूरा? बहुत पूरा की है। जो आपकी उम्मीद है उस उम्मीद पे खड़ी उतर जाएगी? हाँ, अब देखिए उतरने का तो उसको हाथ में, हम तो नहीं, हम तो पढ़ाई भी ना करेंगे। मतलब मेहनत की है ना बच्ची? हाँ मेहनत तो की है। सुबह जब उठी थी आज एग्जाम देने के लिए तो क्या डर भी रही थी? नहीं, उठ के पढ़ रही थी। पढ़ रही थी, रिवीजन कर रही थी। सवेरे उठी है? सवेरे उठ के पढ़ रही थी जी। और उसके बाद पढ़ लिख के उसके बाद नहाई पीछी खाना खाई आई। मतलब कोई तरह का डर नहीं था? नहीं। आप क्या कह रहे थे? वो 5 बजे उठी थी और बुक लेके बैठी थी पढ़ने के लिए। सुबह भी? हाँ सुबह में। हाँ रिवीजन कर रही थी। बोले नहीं? हाँ आप बोले नहीं कि मतलब साल भर पढ़ी हो तो आज मतलब आप क्या कर रहे? नहीं ऐसा कुछ हम नहीं बोले, काहे के लिए बोलेंगे, लेकिन मेहनत तो कर रहा है बच्चा, ऐसा बात है। हाँ मेहनत की है। किसको एग्जाम दिलाने के लिए आए आप? बेटी को एग्जाम दिलाने के लिए। कैसी है पढ़ने में? ठीक ही है। ठीक एवरेज है कि मतलब अच्छा करेगी? उम्मीद तो है कि अच्छा नंबर लाएगी। कहाँ से आए आप? हम मुसलेपुर हाट पटने से आए। अच्छा, ये पटना के रहने वाले हैं। तो क्या कुछ बताई थी कि मतलब कि कितना नंबर लाएंगे मम्मी, ऐसा कुछ? अब तो लिखेगी तो रिजल्ट आएगा तब ना पता चला है कितना नंबर लाएगी। आपको लगता है कि मतलब अच्छे नंबर आ जाएंगे? पढ़ती तो थी, मेहनत तो की है जी। आप किसके साथ आए हैं? अपनी बहन के साथ। तो आप बड़ी है कि छोटी है उनसे? बड़ी है। बड़ी है। कैसी है फिर छोटी? कैसी है फिर बहन पढ़ने में? ठीक ही ठाक है। ठीक ठाक है। नंबर अच्छे आ जाएंगे? हाँ जैसा लिखेगी वैसा रिजल्ट। आपको पता होगा ना, बातचीत करती होगी ना किस तरह की तैयारी है? तैयारी तो है लेकिन सब क्या पता, अब अच्छा ही आएगा। अच्छा आएगा। हाँ। आप किसके साथ आए हैं? बेटी के। बेटी के साथ। कैसी तैयारी की एग्जाम के लिए? बढ़िया की है। बढ़िया तैयारी है। सुबह उठ के कुछ बोली भी थी आज? हाँ बोले हैं कि बढ़िया नंबर लाएंगे, बढ़िया नंबर ला के पास हो जाएंगे जी। तो सिर्फ पास या फिर अच्छे नंबर से? हाँ अच्छे नंबर से। अच्छे नंबर से। हाँ। सुबह उठ के डरी भी थी कि आज एग्जाम है, 12वीं का पेपर है, डरी थी जी कि सरकार 25,000 रुपया देगा जी, उसका भी तो उम्मीद रहता है कि फर्स्ट डिवीजन आएगा। वही तो मेहनत तो करवे करती है मतलब, एक वो भी है कि मतलब प्रोत्साहन राशि है तो उसके लिए भी बच्चे और मेहनत करते हैं। मेहनत करते हैं तब।
मेहनत की है क्या, 25,000 मिल जाएंगे? अब देखिए भाग जाने पढ़ेगी वही ना, तो पढ़िए का लगे, मेहनत की है का लगे, यही लगे ना, पढ़ लिख के बढ़िया नंबर लाएगी, पास हो जाएगी तो सरकार का तो देना ही है जी। आप क्या देंगे अगर जो अच्छे नंबर ले आएगी तो? आप ही कुछ देंगे? तो देंगे नहीं, अच्छे नंबर लाएगा तो देंगे। हम लोग तो इतना बड़ा कर रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, वो तो हम ही लोग दे रहे हैं। आप क्या देंगे बच्ची को? हम क्या देंगे, जो चाहेगी वो देंगे। अच्छा नहीं, अभी बोले ना आपकी बहुत कुछ देंगे। बहुत कुछ क्या दे, आगे और शादी, हाँ आगे पढ़ाएंगे, आगे और पढ़ाइएगा, शादी ब्याह करेंगे देवे करवे, तब जितना होगा जितना देवे करेंगे जी। तब किसके साथ आए हैं आप? बेटी के साथ आए। कैसी है पढ़ने में? ठीक है पढ़ने में। पढ़ने में अच्छी है, अच्छे नंबर आ जाएंगे? आ जाएंगे नहीं। कैसी तैयारी की है? अब क्या चीज के की है, लगता है कि आर्ट्स है कि साइंस है? आर्ट्स है, हिंदी का पेपर है। तो तैयारी अच्छे से हुई है? हाँ तो कुछ बोली भी थी, उठी थी तो एग्जाम है तो पढ़ रही थी, अब क्या बोली, रिवीजन कर रही थी। हाँ आपकी बच्ची पढ़ रही थी सुबह उठ के? सुबह उठ के पढ़ रही थी, अब बोली कि मम्मी हमको पढ़ने का बहुत उमंग है जी, हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम आगे और बढ़े। तो पढ़ने में काफी अच्छी है? हाँ, हाँ, पढ़ने में तो अच्छी है, मेहनत भी कर रही है जी। हाँ आगे भी पढ़ना चाहती है? हाँ, तो आगे पढ़ाइएगा। हाँ पढ़ाएंगे, मेरा उतना हुमस है कि हम पढ़ाएंगे उसको, आगे भी पढ़ाएंगे आगे। ये बच्ची को आगे पढ़ा रही है, आप भी आगे पढ़ाइएगा। हाँ पढ़ाएंगे ना, आप कह रहे थे शादी कर देंगे? नहीं पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे जितना, हाँ अभी पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे तभी शादी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको, पढ़ाएंगे बहुत उम्र, पढ़ना चाहे उतना। हाँ पढ़ाएंगे हम अपना, नहीं रोक ठोक नहीं है, हम पढ़ाएंगे उसको जितना पढ़ लेगा जी। क्या कह रहे हैं? मैट्रिक का परीक्षा दी तो थर्ड डिवीजन लाई है, थर्ड डिवीजन आई है। बोल रही थी कि मेरा पैसा भी नहीं आया है, हम कि ठीक है मिलेगा, उम्मीद रखो बेटी जरूर मिलेगा, फॉर्म भराई गया है। हाँ। टीचर भी बोल रही है कि ठीक है सबको मिलेगा तो तुमको भी मिलेगा जी। तो उसका नहीं मिला है अभी नहीं, लेकिन तो इस बार भी फर्स्ट भी जाएंगे, फिर 25,000 रुपए। वो बोल रही है तो कि मेरा उतना उमंग है कि हमको मिल सकता है पढ़ेंगे, तो फिर वो पैसा भी तो उसी में लगाइएगा ना पढ़ने में। हाँ 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 उसका तैयार है? हाँ हाँ तो तैयार है, अगर सरकार तरफ से उतना जोड़न मिल जाएगा तो और आगे बढ़ जाएगी जी। तब किसके साथ आए हैं आप, किसको लेकर आए हैं एग्जाम के लिए? बेटी को लेकर आए। कैसी है पढ़ने में? बहुत अच्छी है। अच्छी है पढ़ने में, अच्छे से तैयारी की है एग्जाम के लिए? हाँ अच्छे से तैयारी की। आप बच्ची को आगे और पढ़ाएंगे कि मतलब बस 12वीं के बाद खत्म? नहीं नहीं आगे पढ़ना चाहेंगे और पढ़ाएंगे, जब जितना पढ़ना चाहे पढ़ाइए। हाँ आप किसके साथ आए हैं? हम अपने बच्ची के साथ आए हैं। कैसी है पढ़ने में? ठीक है। सुबह उठ के कुछ बोली थी, मतलब डर भी लग रहा था आज पहला एग्जाम था तो? डर नहीं लगेगा, बच्चे है तो डरेंगे ही। पढ़ाई से कैसे डरना, हौसला दिए? हाँ, तब देंगे नहीं, घबराहट हो रहा था और हल्का घबराहट हो रहा था, डर नहीं हल्का घबराहट। फिर समझाए बुझाए होंगे ना कि एग्जाम में आराम से लिखो? हाँ समझा, अभी तक तो समझा ही रहे थे जी, एग्जाम हॉल तक उसको जाते जाते समझाए कि घबराओ नहीं, डर नहीं रही थी थोड़ा घबरा रही थी, तो अभी भी समझाए कि घबराओ नहीं सब अच्छा होगा। आपकी बच्ची कैसी है पढ़ने में? जी ठीक है। ठीक है ठीक, अच्छे नंबर ले आएगी जी? मतलब सिर्फ पास हो गए कि मतलब फर्स्ट डिवीजन? अब फर्स्ट और सेकंड तो किस्मत का बात है, मगर कि पढ़ने में तो ठीक है, पढ़ने में अच्छी है जी। मेरा सारा बाबू जितना बच्चा है बच्ची है सब पढ़ाई लिखाई में ठीक है, मतलब नंबर उतना मायने नहीं रखता है, पढ़ाई अच्छा होना चाहिए। हाँ हाँ पढ़ाई अच्छा है। चलिए तो देखिए तमाम जो महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई सभी अपने बेटियों के साथ आई है, बेटी के एग्जाम दिलवाने के लिए आई है, और सब बच्चे एग्जाम देने के लिए गए हैं, और इनका साफ तौर पे कहना है कि बच्चे मेहनत करेंगे और आगे जितना पढ़ना चाहेंगे पढ़ाने के लिए ये तैयार है, सरकार की तरफ से भी राशि दी जाती है, तो बहुतों का ये भी कहना है कि अगर जो अच्छे नंबर आएंगे तो सरकार की तरफ से भी प्रोत्साहन राशि जो मिलनी होती है वो मिलेगी। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, धन्यवाद।